काम की बात करते हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए काम की बात बताओ, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। गाजियाबाद के मेरे साथियों सुनो, ये गाजियाबाद हमारी राजधानी है, राजधानी ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहाँ गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। मैं गाजियाबाद का अपना घर मानता हूँ। ऐसी बहुत सी रातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे, हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेट के हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का ताकतवर लोगों का, निसंदेह लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी बहुत और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की है समय समय पे। और जब जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकारों को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद में सीना तान करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आप दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पूरा धन्यवाद देता हूँ। छोटे भाई गुलजार जी और तमाम सब लोग यहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाई, चाहे इसी पार्क में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया था। मैं इस बात को जानता हूँ, अपनी शक्ति को जानता हूँ। लेकिन सम्मान्य साथियों, मेरी माँ बहनों मुझे बताओ और मुझसे सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों है, उनपे बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस दिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पूरा धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक एक पैसा जुटा के, जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा, और आपके उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होके आपके हर एक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा होगा, कितने लोगों ने देखा जरा हाथ मारे बताओ, दिल से अपने दिल रख के बताना, बताओ आपका बेटा चंद्रशेखर हजार सैकड़ों में भारी है या नहीं भैया। अब ये काम आपने केंद्र में तो कर दिया, दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काम ये पूरा है। जब तक उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग विधानसभा लखनऊ में जाके और सरकार की आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अधिकारों पर जो डाका पड़ रहा है उस डाके को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में कोई बदलाव हो सकता है। बाकी लोगों में तो ये मौका 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े
किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो, आपके हिस्से में तो एक साल बाद ही इसी साल आपके चुनाव के एक साल बाद और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः वो मौका आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा एक सिपाही लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो और आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, पार्टी ने जिस व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा, मैं उसके संघर्ष को जानता हूँ, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब चलाने का काम उन्होंने किया। और अभी अभी जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। बिना किसी पद पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचे अगर इस बहादुर भाई को आपने वोट की ताकत से असेंबली में भेज दिया तो क्या गाजियाबाद में आपके हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी, बताओ? क्या गाजियाबाद में आपके अधिकारों पर कोई डाका डाल पाएगा? सरकार के सारे विधायक सांसद एक तरफ और आपका अकेला सतपाल चौधरी एक तरफ, याद रखना मेरी बात। सरकार के गुंडों के अगर कुंडे ना बंद कर दिए तब आप मेरे मुझसे सवाल करना कि भाई आपने जो कहा था वो गलत साबित हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम पे विजन है उत्तर प्रदेश में बदलाव का, हम पे मिशन है महान पुरुषों के विचारधारा का, उनके सपनों को पूरा करने का, और हम में मादा है, हम में बल है, हम में जुनून है। ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, जुल्म जाति खत्म करने का, और जब तक किसी के अंदर संकल्प नहीं होता, माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे दिलों में तमन्ना है कि आजादी के 75 साल बाद तो अब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को और उनको भी सामान्य जाति के जो गरीब लोगों को जो जुल्म जाति सह रहे हैं उनकी जिंदगी में अब खुशहाली आनी चाहिए। जो सरकारें उत्तर प्रदेश के केंद्र में बैठी हैं, आप ये जानते हो कि वो तानाशाही वाली सरकारें हैं। अगर उनका आदमी भी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठ, उनके झूठे वादे या उनकी झूठी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो वो तो उसके अपने नहीं रहते, उत्तर प्रदेश की जनता के अपने कैसे होंगे? आप ये देखो किस तरह से बुलडोजर के जरिए और तमाम तरीकों से जुल्म जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। सब लोगों की निगाह अगर किसी की तरफ है तो वो नीले पट्टे वालों की तरफ। अगर आज पूरा देश किसी की तरफ देख रहा है तो नीले पट्टे वालों की तरफ देख रहा है कि ये नीले पट्टे वाले अब क्या करेंगे। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि जब ये नीले पट्टे वाले संकल्प लेकर किसी और निकलते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कहते हैं ना कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और जवानी किसकी तरफ है ये बताना मुझे नहीं पड़ेगा। जवानी चाहे वो गाजियाबाद की हो या जवानी चाहे सिद्धार्थ नगर नेपाल बॉर्डर की हो या जवानी दिल्ली में बैठे नौजवानों की हो, जवानी आज क्रांति का रास्ता अपना चुकी है। और जब तक वो सत्ता में बैठे लोगों का घमंड नहीं तोड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार नहीं तोड़ेगी और जब तक वो इस भारत को संविधान के जरिए चलने वाला भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बना देती, तब तक वो रुकने वाली नहीं है। ये गांधी है और ये समय के साथ चलती है। जब आंधी चलती है तो छोटी मोटी चीजें उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। आप याद रखो मेरी बात को, आपने समय समय पे देश के संविधान की रक्षा की है,
गरीबों को मिलने वाले आरक्षण की रक्षा की है, समय समय पे देश के लोकतंत्र की रक्षा की है, लेकिन सबकी रक्षा करने वाले मेरे बहुजन समाज के लोगों अब अपनी रक्षा के बारे में भी सोचो। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर।